राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। पश्चिम के मुकाबले पूर्वी राजस्थान की कई जगह माइनस में पारा। आपको बता दें, बारिश के थमने के साथ ही अब तापमान में गिरावट का दौर भी जारी है। प्रदेश में सर्दी की पकड़ अब जोर पकड़ने लगी है। तो राजस्थान में सर्दी का सितम अब शुरू हो चुका है। अलग तरीके से लोग सर्दी से बचने के प्रयास कर रहे हैं। कहीं अलाव का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं गर्म कपड़ों का सहारा लिया जा रहा है। और इस समय पूरे प्रदेश के अंदर सर्दी अपना जोर दिखाना शुरू कर चुकी है। पश्चिम के मुकाबले पूर्वी राजस्थान में कई जिलों के अंदर पारा माइनस के पार पहुंच चुका है। तो इस समय सर्दी का असर और सर्दी का सितम पूरे प्रदेश में बढ़ने लगा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मदन प्रजापत हमारे साथ जुड़े हैं सिरोही से, हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं जयपुर से, और साथ ही हमारे साथ हमारे तीसरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुजीत हमारे साथ जुड़े हैं। और जान लेते हैं कि किस तरीके से इस समय सर्दी अपना जोर दिखा रही है पूरे प्रदेश के अंदर। सबसे पहले अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इस समय आप राजधानी में मौजूद हैं, गुलाबी ठंड का यहाँ पर यहाँ के प्रदेशवासियों को रहवासियों को यहाँ पर एहसास होना शुरू हो चुका है। किस तरह की तस्वीरें सुबह की नजर आती है यहाँ? जी बिल्कुल सौरभ, अभी राजधानी जयपुर में गुलाबी नगरी में गुलाबी ठंड का एहसास जो आपने बताया वो वास्तव में शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से मौसम का जो टेम्परेचर है वो लगातार गिर रहा है। अधिकतम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, न्यूनतम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम टेम्परेचर है। सुबह उठते ही लोग बहुत ज़्यादा जल्दी उठ नहीं पाते हैं, कंबल में दुबके रहते हैं, गर्म कपड़ों के साथ में ही घर से बाहर निकलते हैं। और सबसे बड़ी जो रोचक तस्वीरें देखने को जगह जगह मिलती है सुबह और शाम में, तो लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हैं, चाय की थड़ियों पर गर्म चाय पीते हुए नजर आते हैं। और जगह जगह इस तरीके की तस्वीरें राजधानी जयपुर में गुलाबी नगरी में देखने को लगातार मिलती रहती है। जी सौरभ, ठीक है, मैं फिर से आपके पास आऊंगा अमित, इस मौसम पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। झुंझुनू से सुजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, झुंझुनू में किस तरह का मौसम और आगे मौसम विभाग का झुंझुनू में किस तरह का मौसम रहने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू जिले की बात की जाए मौसम को लेकर, लगातार झुंझुनू जिले के अंदर मौसम है वो अभी सही है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान है झुंझुनू के अंदर आज वो करीब 8 डिग्री सेल्सियस है वो दर्ज किया गया है। वहीं बात की जाए गर्म कपड़ों की तो लोग बाग जो घर से बाहर निकल रहे हैं वो ठंड को लेकर गर्म कपड़े हैं, अलाव का सहारा है, ऐसे सहारा ले रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि मौसम विभाग द्वारा लगातार चेतावनियां भी और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं कि ठंड को लेकर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। साथ ही जो घर से बाहर निकले वो गर्म कपड़े पहनकर निकले। और अभी अपन झुंझुनू शहर की सबसे व्यस्तम रोड है बगड़ रोड पर खड़े हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि आज है वो अभी 8 से अधिक का समय हो चुका है और लगातार यहाँ पर जो सन्नाटा है वो छाया हुआ है ठंड के कारण है। जो जरूरी काम के लिए लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वही निकल रहे हैं, उसके अलावा कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। जी अगर सुजीत देखा जाए सर्दी जिस तरह से बढ़ रही है तो कोहरे का असर भी बढ़ता जा रहा है। इस समय झुंझुनू की अगर बात करें तो क्योंकि खासी परेशानी का वाहन चालकों को सामना करना पड़ता है, ऐसे में कोहरे की क्या कुछ स्थिति इस समय झुंझुनू के अंदर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कोहरे की बात की जाए तो 2 दिन से कोहरा है वो झुंझुनू के अंदर कम है। और साथ ही साथ अपन बात करें ग्रामीण इलाकों की तो ग्रामीण इलाकों के अंदर जो फसलें बोई जाती है उसके कारण ग्रामीण इलाकों के अंदर कोहरा काफ़ी है खासा है। और जो वाहन चलाने वाले हैं उनको लाइटों का सहारा लेना पड़ रहा है और जो वाहनों की गति है वो एकदम शून्य के बराबर चलाई जा रही है। आपको बता दूं कि वाहन है वो धीमी गति से चला रहे हैं ताकि कोई ना कोई हादसा ना हो। जी ठीक है सुजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे जानकारी और भी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ है सिरोही से मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिरोही में क्या कुछ इस समय स्थिति मदन मौसम को लेकर, और माउंट आबू जो कि सबसे ठंडा और जिसे कहा जाए राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, पर्यटक किस तरह से सर्दी का आनंद वहां पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सौरभ सही कहा कि अगर माउंट आबू अब से सर्दियों को लेकर यह अलग ही पहचान लगता है,
और राजस्थान का काश्मीर भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप सर्दियों के दिनों में यहाँ पर बर्फ की जमती नजर आएगी, तो यहाँ पर ये कश्मीर जैसा नजर आएगा। तो यहाँ पर माउंट आबू में जो पर्यटक यहाँ पर इस बर्फ को देखने के लिए बड़े तादाद में पहुँचते हैं। अगर बात की जाए सौरभ आज के तापमान की, तो यहाँ पर तापमान भी लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। माउंट आबू में आज कड़ाके की सर्दी है। कई मैदानी इलाकों और घरों व कई इलाकों में यहाँ पर आज हल्की बर्फ की परत भी जमी है। तो कहीं ना कहीं आज माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का असर नजर आ रहा है। माउंट आबू में घूमने आने वाला पर्यटक है मेरे साथ में, मैं बात करने की कोशिश करूँगा। मेरे ए, ए, मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि आज तक कैसी ठंडी है माउंट आबू में। ठंड बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही है ठंडी। आपके वहाँ से ठंडी है? बहुत बहुत ज़्यादा। कहाँ से हो? अभी यहाँ कैसी ठंडी है? यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही है। आज माउंट आबू घूमने आए हो, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? अभी जस्ट आए, अभी तो देखते भी आगे क्या। गर्मा गर्म नाश्ते का एंजॉय कर रहा है सर। कैसी ठंडी है? सर हम मुंबई में रहते हैं। आपकी यहाँ कैसे है? आज यहाँ ठंडी ज़्यादा है। ठंडी को लेकर आप क्या बचा करें? तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घूमने आने वाला पर्यटक है इस सर्दी के बीच यहाँ काफी उत्साहित नजर आ रहा है, और अभी यहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ते का भी आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सौरभ यहाँ माउंट आबू में आज कड़ाके की सर्दी है, सभी लोग घरों में भी दुबके हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे धूप खिलेगी तो लोग घरों से बाहर निकलना शुरू होंगे। स्कूली बच्चे और जो अधिकारी हैं अब धीरे बाहर निकलेंगे, तो उनको भी यहाँ सर्दी को लेकर खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सर्दी को लेकर, इस कड़ाके की सर्दी के बीच लोग कई इलाकों का जगह पर अलाव भी तापते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो वो ऊनी कपड़ों में, कड़ाके की सर्दी के बीच जरूर जो लोगों का है सामान्य। धन्यवाद। और काफ़ी उत्साह के साथ लोग पहुंच रहे हैं माउंट आबू और आनंद ले रहे हैं सर्दी का। अमित हमारे साथ राजधानी से जुड़े हुए हैं। अमित, इस समय अगर बात की जाए गुलाबी नगरी की, तो यहाँ की ठंड तो बढ़ी रही है, कोहरे की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि बड़ी परेशानी इस समय उन वाहन चालकों को भी उठानी पड़ती है, जो कि कोहरा ज़्यादा अगर दिखाई देता है सड़कों पर। तो जी सौरभ, अगर कोहरे की हम बात करें तो राजधानी जयपुर में जो शहरी इलाका है वहाँ तो हल्की धुंध है, बहुत ज़्यादा कोहरा नहीं है। लेकिन हाँ, जो हाईवेज हैं राजधानी जयपुर से जोड़ने वाले जो हाईवेज हैं, इधर दिल्ली की तरफ चले जाते हैं या इधर अजमेर की तरफ चले जाते हैं, तो हाईवेज में थोड़ा सा कोहरा देखने को मिल रहा है। वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी हो रही है। जिस तरीके की स्पीड उस हाईवेज पर रहती है, उस स्पीड से कम पे गाड़ियां चल रही हैं, सावधानी बरतते हुए लोग गाड़ियां चला रहे हैं। उसके अलावा अगर हम राजधानी जयपुर में अधिकतम टेम्परेचर की अगर बात करते हैं सौरभ, तो 25 डिग्री अधिकतम टेम्परेचर है। हम इस राजधानी जयपुर के जो मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री से लेकर के और जो 25 डिग्री टेम्परेचर है, तो हम ये जरूर देखने को मिलता है यहाँ पर कि सुबह और शाम जिस तरीके की ठंड होती है, वहीं दिन में दोपहर में लोग यहाँ पर गर्मी से भी परेशान रहते हैं। जिन गर्म कपड़ों को पहन करके सुबह लोग घरों से बाहर निकलते हैं, वही गर्म कपड़े दिन होते होते तक शरीर पे बोझ लगने लगते हैं। शाम की अगर हम बात करें तो सर्दी वापस से बढ़ती है और पकौड़ियों की दुकानों पर लगातार भीड़ देखने को मिलती है। चाट पकौड़ी कचौड़ियों की दुकानों पर लगातार भीड़ देखने को मिलती है। तो इस तरीके का आलम गुलाबी नगरी का है सौरभ, मौसम को देखते हुए अगर हम बात करें तो। जी अमित, पर्यटन नगरी भी है गुलाबी नगरी, तो ऐसे में क्योंकि ये वो समय आ गया जब पर्यटन व्यवसाय भी शुरू हो जाता है, लोग बाहर से यहाँ पर घूमने आते हैं, पर्यटकों की अगर बात करें तो वो क्या कुछ स्थिति इस समय गुलाबी नगरी में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल सौरभ, सर्दी बढ़ते बढ़ते ना केवल सिर्फ गुलाबी नगरी अपितु पूरे राजस्थान भर में पर्यटन बढ़ जाता है। लोग सर्दियों के समय में राजस्थान घूमना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और यही कारण है कि जयपुर में भी जिस तरीके से सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है, पर्यटन भी बढ़ रहा है, लोगों के आने की, पर्यटकों के आने की संख्या बढ़ रही है। और जो साउथ के जो इलाके हैं, साउथ एरिया से जो लोग पर्यटक हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जयपुर में या राजस्थान की अगर हम बात करें पूरे राजस्थान की, तो वो ज़्यादातर यहाँ आना पसंद करते हैं। साउथ में हालांकि उन्हें समुद्र देखने को मिलता है, माना जाता है कि 12 महीने
मौसम एक ही जैसा रहता है, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, तो वो सर्दी का आनंद लेने के लिए, सर्दी का मजा लेने के लिए इन सर्दियों के समय में राजस्थान आना पसंद करते हैं, और उसमें जयपुर उनके लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। जयपुर में अगर हम बात करें तो हवा महल हो गया, आमेर का किला हो गया, जंतर मंतर हो गया, सिटी पैलेस हो गया, इन जगहों को देखना पर्यटक बहुत पसंद करता है। और कई बार हमने पर्यटकों से बात करते हैं इस मौके पर, या सर्दी को लेकर के, पर्यटन को लेकर, सर्दी का मौसम है तो सर्दी पड़नी भी जरूरी है, और कहीं ना कहीं जो मावट हुई पिछली वो भी किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।